हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं IQ Z7 प्रो डिवाइस के अंदर आप कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करें। दोस्तों आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे। दोस्तों कॉल फॉरवर्डिंग क्या होता है, आप अपने इनकमिंग कॉल को किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने इनकमिंग कॉल को किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ से अपने कॉल को रिसीव करके बात कर पाएंगे। तो दोस्तों इसको आप कैसे करेंगे, दोस्तों इसी का सेटिंग यहाँ पर आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने डायलर को ओपन करना है जहां से आप फ़ोन लगाते हैं। तो हम यहां पर अपने डायलर को ओपन कर लिए। आप देख रहे हैं जो हमारा डायलर है यहाँ पर ओपन हो जाता है और ऊपर में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आ जाते हैं और थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कॉलिंग अकाउंट, तो आपको उस पर क्लिक करना है ये वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं सिम 1 सिम 2 का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको चॉइस करना है कौन से नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में चॉइस करना है कौन से नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग करना है और आपको उस सिम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर सिम 1 को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम सिम 1 को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे कुछ सेटिंग आ जाता है और यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉल फॉरवर्डिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सर्चिंग करेगा और इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों हो सकता है आपके फ़ोन में अगर नेटवर्क कम हो या किसी भी आदमी के फ़ोन में नेटवर्क कम रहता है तो थोड़ा सा समय लगता है इस सेटिंग को ओपन होने में, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि जो सेटिंग है ये तुरंत शो नहीं होता है। अगर नेटवर्क रहेगा तभी आपके फ़ोन में ये शो हो पाएगा, अगर नेटवर्क नहीं है तो ये नहीं ओपन हो पाएगा। तो इस तरह से आपको अपने नेटवर्क के हिसाब से इसको ओपन करना है। ऐसे नहीं कि नहीं ओपन हुआ तो मैं छोड़ देता हूँ या नहीं होगा हमारे में, नेटवर्क रहेगा तभी आपके फ़ोन में ये ओपन होगा सेटिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलवेज फॉरवर्ड का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे नंबर ऐड करने को आ जाएगा। तो दोस्तों आपको जिस नंबर पे अपने इनकमिंग कॉल को भेजना है उस नंबर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे अपने दूसरे नंबर को जैसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इस तरह से आप नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जो नंबर है वो आपके फ़ोन में सेव है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके जो सेव नंबर है यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिस नंबर पे आपको अपने इनकमिंग कॉल को ट्रांसफ़र करना है उस नंबर को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे एक नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर टर्न ऑन का ऑप्शन मिलेगा, आपको टर्न ऑन कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टर्न ऑन का ऑप्शन है, तो आपको टर्न ऑन करना है। जैसे आप इसको टर्न ऑन करेंगे ये थोड़ा सा अपडेटिंग करेगा, इसके बाद जो आपकी कॉल है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिम 1 फॉरवर्डिंग ऑल कॉल्स, हमारे फ़ोन पे मैसेज भी आ चुका है। अब हमारे जो कॉल्स हैं अब यहाँ से फॉरवर्ड हो चुके हैं, हमारे पास अब कोई भी इनकमिंग कॉल नहीं आएगा, हमारे जो इनकमिंग कॉल हैं अब वो दूसरे नंबर पे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत लोग कॉल फॉरवर्डिंग कर लेते हैं तो इसके बाद उसको बंद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो कॉल फॉरवर्ड होने के बाद आपकी इनकमिंग कॉल है वो दूसरे नंबर पर जाती है, तो आपको दिक्कत भी होता है कि हमारे जो इनकमिंग कॉल है वो हमारे पास भी आने चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करना होगा। तो बंद करने के लिए आपको इस तरह से अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके जो नंबर ऐड है यहाँ पे शो हो जाएंगे और नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑफ, तो आपको इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप टर्न ऑफ पर क्लिक करेंगे ये आपके फ़ोन में बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग को बंद कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरह से आपको अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।